नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स प्लास्टिक पे अगर आप नज़र डालेंगे तो पिछले कई दिनों से हमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। जो कि कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी की ओर से कोई भी अपडेट, न्यूज़, कुछ भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं आया है। जो यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी अपडेट न्यूज़ तक अभी तक नहीं आया है। तो उसी के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर यहाँ पे जो झमेला हो रहा है, आपको पता ही होगा कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बैंक्रप्ट हो चुकी है, तो उसका जो इफेक्ट है क्या यहाँ पे पड़ेगा उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करने वाले हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ और सिंटेक्स प्लास्टिक एक समय था जो कि एक ही हुआ करता था, लेकिन अभी अलग हो चुका है। तो यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आज का यह वीडियो होने वाला है। अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को लेते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी डेटा मुझे मिला है आपके सामने लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें डे एंड सेशन की, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 9 रुपये पे यहाँ पे लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 रुपये 45 पैसे प्रीवियस क्लोज था। पर शेयर हमें 45 पैसे का नुकसान देखने को मिल रहा है पर डे। जी हाँ दोस्तों, डे बाय डे हमें यहाँ पे 4 से 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो मिल रहा था नहीं, यहाँ पे अभी भी मिल रहा है। तो आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन करने से पहले आप अगर 1 मंथ के चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे जो लोअर सर्किट है अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में परसेंटेज आप देख सकते हैं 31% का यहाँ पे 1 मंथ पे लोअर सर्किट। यहाँ पे ये जो शेयर है सिंटेक्स प्लास्टिक, एक समय था हमें 1 मंथ में अगर परसेंटेज की बात करें तो 200% से ज़्यादा का यहाँ पे हमें प्रॉफिट जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है जनवरी मंथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कि न्यू ईयर आने के बाद से यहाँ पे लगातार हमें लोअर सर्किट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। मतलब न्यू ईयर के बाद नए साल में यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो रीज़न है उसकी रीज़न की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी न्यूज़ हमें अपडेट नहीं किया गया है। अगर हम NSE में जाए या फिर BSE में, तो यहाँ पे मैं BSE का जो आपका अनाउंसमेंट है उसको हम अगर खोल के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट अनाउंसमेंट जो हुआ था 13 तारीख को हुआ था, उससे पहले 10 तारीख, उससे पहले 5 तारीख, यहाँ पे उससे पहले 2021 में 30 दिसंबर को यहाँ पे हमें अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन रिसेंटली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है, जो कि 12.22% का यहाँ पे हमें जो है कि प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और पब्लिक होल्डिंग देखने को बात करें तो यहाँ पे 87.78% का यहाँ पे हमें पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर रिजल्ट की बात करें तो पिछले हमें सितंबर की जो रिज़ल्ट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र आया था। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर आशा कर रहे थे हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर जो इंक्रीज पॉइंट हमें देखने को मिला था ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ लेवल भी ग्राफ में देखने को मिला था दिसंबर के बाद यहाँ पे, सॉरी सितंबर के बाद यहाँ पे हमें दिसंबर तक अच्छा खासा ग्रोथ लेवल देखने को मिला था। लेकिन उसका जो रिजल्ट है अगर जब तक नहीं आ रहा है तब तक यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते अभी, ठीक है। सेप्टेम्बर की अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे नीट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें माइनस में दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 3.22 मिलियन का यहाँ पे माइनस में हमें नीट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो रेवेन्यू हुआ है उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे टैक्स वैक्स सब कुछ लगा कर यहाँ पे जो है कि हमें लॉसेस देखने को मिल रहा है, जो कि 3.22 मिलियन का लॉसेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग आशा कर रहे थे दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा आ सकता है, तो यहाँ पे दिसंबर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब तक नहीं आ रहा है तब तक यहाँ पे जो कि फ्रेश बाइंग करने के लिए आप रुक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेश बाइंग यहाँ पे जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है।
और अगर हम बात करें अभी आपको क्या करना चाहिए, मतलब अभी जो लोअर सर्किट लगा है इस लोअर सर्किट के दौर में अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या आप होल्ड करने से अच्छा रहेगा या फिर बाई करने से या फिर यहाँ पे जो सेल करने से अच्छा रहेगा, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो भी यहाँ पे पिछले कई दिनों से मतलब पिछले 6 मंथ से जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो उसका अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है जो कि 52% के आसपास, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे कहें तो उसका जो भी पूंजी है, जी हाँ दोस्तों, जो भी पैसा यहाँ पे पहले लगाया था प्रॉफिट को छोड़कर, जो शेयर उसका जो पूंजी है वो पूंजी को यहाँ से निकाल ले। जी हाँ दोस्तों, अभी तो निकालने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल देखने को आ रहा है क्योंकि लोअर सर्किट लगा हुआ है। जब भी आपको मौका मिले यहाँ पे आप अपना पूंजी निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक प्रॉब्लम की सलूशन, ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे ऊँची, मतलब यहाँ पे जो अगर बात करें, देखिए 10.85 रुपये पे भी बहुत जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, तो यहाँ पे अगर जो इसका ख़रीदारी किया है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसको भी जो पूंजी है यहाँ पे आप तो पूंजी से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन आपको जितना चाहिए जितना आपसे हो सके यहाँ पे आप एग्ज़िट होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो फिर यहाँ पे आपका जो डिसीज़न है वो आप यहाँ पे होल्ड करके भी रख सकते हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत नज़र डालना पड़ेगा, उसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे ना पड़े उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे पर्सनल राय देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, चूज़ करने की बात आपके ऊपर है, जो भी आप डिसीजन लेंगे आपको खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा था और जो न्यूज़ आ रहा है उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो जो डिसीजन है वो खुद आपको ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कह दिया कि सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेल भी आप नहीं करेंगे, जो आपका जो डिसीजन है वही आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, तो थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी स्टेटमेंट, जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी स्टेटमेंट में अभी क्या कह रहा है, तो 89% लोग यहाँ पे बाई करने की सलाह दे रहा है और 5% यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, सॉरी 6% होल्ड करने की सलाह दे रहा है और 5% यहाँ पे सेल करने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी स्टेटमेंट लिया जाता है, यहाँ पे कोई भी कितना भी अकाउंट में आकर यहाँ पे जो है कि कम्युनिटी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि आपको होल्ड करना है तो होल्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर सेल करना है तो सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर बाय करना है तो बाय के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे ही एक क्लिक से ही आपको आप यहाँ पे जो भी डिसीजन देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा कैजुअल भी आता है, कोई भी आकर यहाँ पे जो है कि आपको डिसअट्रैक्ट भी यहाँ पे कर सकता है, जिससे कि आपका ध्यान यहाँ से हट भी सकता है। क्या आप अब यहाँ पे क्या करेंगे उसके ऊपर भी आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं आपको खुद लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो भी डिसीजन आप लेंगे आपको खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं यहाँ पे जो अंदाज़ा है वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कम्युनिटी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक सुझाव दिया है, उस दोनों सुझाव के अंदर या फिर आप कोई और न्यूज़ भी देख सकते हैं उसके ऊपर आप देख कर अच्छे से डिसीजन लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो भी डिसीजन लीजिएगा अच्छे से सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैं जो आपको कह रहा था कि जो पूंजी है आपको निकाल लेना चाहिए, तो यहाँ पे वो जो रीज़न है उसका जो रीज़न की अगर हम बात करें जो वो ऐसा मैंने क्यों कहा, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि आप अगर नज़र डालेंगे तो देखिए 6 मंथ पहले जो इन्वेस्ट किया था यहाँ पे उसका अभी 52% का इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है। वो अगर अपना पूंजी यहाँ से निकाल लेता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है, वो अगर यहाँ पे अपना पूंजी निकाल लेता है, जो भी उसका लाभ है,
ठीक है, जो यहाँ पे अर्न किया है वो सिर्फ यहाँ पे बचा रहेगा। उससे क्या होगा, अगर यहाँ पे फिर से अपर सर्किट लगता है तो उसका प्रॉफिट होगा, अगर लोअर सर्किट जाता है तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम दिया है सिर्फ उस टाइम का ही थोड़ा बहुत हमें नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन वो शेयर जो है कि हमें फिर से बाउंस बैक करता हुआ नज़र भी आएगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो अपना पूँजी है वो निकाल के किसी और शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा, ताकि वहां पे जो आपका टाइम है वो बच के अच्छे से जो है कि आप कुछ अर्न कर सके, और यहां पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन फंसा हुआ है वो फिर से और भी ज्यादा हमें अपर सर्किट की ओर दिखाई दे, या फिर यहां पे अगर और भी ज्यादा लोअर सर्किट में चला जाता है तो लोअर सर्किट में यहां पे आप बाई करके फिर से जो है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहां पे सेल नहीं करते हैं आपका जो पूंजी है तो फिर क्या होगा उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख पाएंगे जो जैसे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है कि लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, ये लोअर सर्किट और भी ज़्यादा अगर नीचे चला गया तो सिक्स मंथ तक जितना भी आपने इंतज़ार किया है उसका प्रॉफिट भी थोड़ी सी भी नहीं मिलेगा। उल्टे क्या होगा, यहाँ पे जो है कि लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पर अपना पूँजी निकालते हैं तो फिर यहाँ पर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ रीज़न था यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन देने का, तो डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा, अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इस सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा।